हेलो हाय जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं हूं रिंदपाल और आप देख रहे हैं पायलट टेक मैकेनिक एंड मोबाइल। दोस्तों आज हम एक फिर एक इंजन वीडियो इंजन फिटिंग का वीडियो लेके आ गए आपके पास। तो ये जो है पैशन प्लस गाड़ी का फुल इंजन वीडियो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिये कहाँ जितने भी सारे सामान थे आप साफ सुथरा करके यहाँ पे रख लिए। अभी चलेंगे, स्टार्ट करेंगे अभी दोस्तों इसका जो इंजन फिटिंग शुरू करेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें कौन सा चीज हमें नया डालना है और कौन सा स्पेयर नया डालना है। तो अभी इसको भी हम इसे उतार के देख लेते हैं बैक से। देखिए बहुत सारा चीज इसमें नया लगने वाला है, जैसे इंजन ऑयल से लेके पैकिंग, उसका क्लच प्लेट, बोर पिस्टन, जितने भी सारे सामान थे तो हम ले आए। तो इंजन फिटिंग करने से पहले इंजन का जो सरफेस है उसको हम अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेंगे। और इसका जो गियर पिनियन सेटिंग हमने इससे पहले कई बार आपको वीडियो में दिखाया है, इसीलिए हम इस वीडियो में दिखाने की कोई जरूरत नहीं समझी। तो देखिए ये हमने पिनियन को अच्छी तरह से पहले से ही सेटिंग कर लिए थे। तो अभी इसको हम इसके रॉकर के साथ हम इसको लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं इसका जो गियर डॉबी के साथ इसका पिनियन पूरी अच्छी तरह से सेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ पिनियन को और डॉबी एक साथ लेके अंदर मेरिंग के थ्रू पास करवा देना है, बस हो जाता है और कुछ नहीं। बस गियर का जो पिनियन है वो वाला सही होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए गियर हमारा अच्छी तरह से बैठ गया। इसके बाद हम क्रैंक लगाएंगे। तो पहले इसका जो न्यूट्रल पत्ती है उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी हमने धोखा खाई है, इस पत्ती को हमने चेंज नहीं किया था तो एक दो गाड़ी में तो न्यूट्रल का दिक्कत आ गई, तो उसी की वजह से हमें बाद में इंजन खोलना पड़ा दोबारा। तो दोस्तों देखिए गियर पिनियन सेटिंग हो गया हमारा। इसके बाद हम लगाएंगे क्रैंक। अभी कौन है क्रैंक बिठाएंगे। क्रैंक बिठाने से पहले इसको अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेते हैं। इसका क्रैंक बिठाने भी मतलब कुछ जबरदस्ती नहीं, जैसे टू स्ट्रोक का क्रैंक हमने इससे पहले एक RX100 का इंजन फिटिंग करके आपको दिखाया था कि क्रैंक बिठाने में कितना दिक्कत होती है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। बस ऑयलिंग करके इसको प्रेस कर देना है और क्रैंक अपने आप सेट हो जाता है। उसके बाद किक शाफ्ट लगा दिया हमने, उसके बाद डाउल पिन, फिर दूसरी चैम्बर में अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेंगे। और करने के बाद हम फिर लगाएंगे गैस्केट। गैस्केट लगाने के बाद चैम्बर को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए ये वाला नया गैस्केट है, हमने ओरिजिनल लाया है। तो दोस्तों मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अब जब भी इंजन का काम करें जेनुइन जितने भी स्पेयर पार्ट्स है उसका जेनुइन ही यूज करें, क्योंकि जेनुइन में भरोसा रहता है, डुप्लीकेट में कुछ भरोसा नहीं। इसीलिए हमेशा एक बात बोलता हूं कि जेनुइन हमेशा यूज करें, गैस्केट चाहे गैस्केट क्यों ना हो और उसका RTG लिक्विड क्यों ना हो, सारे के सारे जेनुइन होना चाहिए इंजन में, तभी जाके इंजन का जो परफॉर्मेंस वो बेहतर हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो गया। इसके बाद हम चैम्बर को सेट कर देंगे। तो देखिए ये आ गया हमारा चैम्बर। इसको हल्की तरह से इसके एक रबर की हैमर से इसको हम सेट करके ठोक ठोक के यहां पे बिठा देंगे चैम्बर को। तो देखिए ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो किक शाफ्ट है ये अगर सही ढंग से नहीं बैठेगा तो ये चैम्बर अंदर नहीं जाएगा, तो किक शाफ्ट में ही दिक्कत रहता है। तो अभी वो भी सॉल्व हो गया। देखिए ये पूरा चैम्बर फिट हो गया हमारा। इसके बाद गियर डबी में जो 10 नंबर का बोल्ट है वो लगा के गियर डबी पहले टाइट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर का एक बोल्ट रहता है, एक स्पेशल बोल्ट होता है और एक स्पेशल वॉशर रहता है, वो यहाँ पे लगेगा। तो वेल इसके बाद इस नॉट टाइट करने के बाद दोस्तों हम पूरे चैम्बर के जितने भी सारे बोल्ट है सारे के सारे फिटिंग कर लेंगे। तो पहले इस गियर डॉबी को हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों कहीं कहीं लोग इसको गियर डॉबी बोलते हैं कि किसी ने तो इसको गियर चेंजर भी बोलते हैं। तो देखिए ये 8 mm का बोल्ट आ गया, इंजन के जितने भी सारे बोल्ट है हमने हाथ में पकड़ लिया। अभी इसको हम पूरी तरह से सेट करके इसको टाइट कर लेंगे। फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन चैम्बर फिट हो गया। इसका जितने भी सारे बोल्ट थे हमने फिटिंग कर लिए। अभी चले जाते हैं क्लच चैम्बर की तरफ। तो पहले किक शाफ्ट स्प्रिंग लगा लेते हैं और उसका रैचेट लगा लेते हैं, स्टॉपर लगा लेते हैं। तो देखिए स्टॉपर लगाने के लिए यहाँ पे हमें एक शाफ्ट में एक डॉट दिया हुआ है, तो
तो वहां पे एक डॉट दिया हुआ है और जो किक स्टॉपर में भी एक डॉट दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम सेम मैच करके स्प्रिंग के थ्रू अंदर घुसा देना है और एक प्लायर की मदद से स्प्रिंग को सेट कर देना है। तो पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, उसका जो डॉट के साथ बराबर करके सेट कर लेते हैं। करने के बाद एक प्लायर की मदद से हम स्प्रिंग को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा स्प्रिंग आराम से बैठ गया, तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हम इसका ऊपर का जो सर्कलिप है वो लगा लेते हैं। उससे पहले गियर पिनियन का फ्री प्ले चेक कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो गियर पिनियन खड़खड़ खड़खड़ आवाज आएगी, तो इसीलिए उसका फ्री प्ले चेक करना जरूरी होता है। तो देखिए ये सर्कलिप भी लग गया दोस्तों। इसके बाद हम गियर का जो पिन है, गियर शिफ्टर पिन है, वो फिर लगाएंगे। गियर पिन लगाने के बाद दोस्तों हम लगाएंगे उसे गियर शाफ्ट। तो इसके बाद चलिए गियर शाफ्ट को अभी लगा लेते हैं यहाँ पे। ये रहा गियर शाफ्ट, बस गियर शाफ्ट को ऐसे हल्की से यहाँ पे पास थ्रू कर देना है और कुछ नहीं। उसके बाद उसके ऊपर का जो प्लेट है, हम कुछ स्पेशल वो नट रहता है उसका, जो सॉरी बोल्ट रहता है 10 नंबर का एक, ये वाला लगाएंगे ये प्लेट के बाद। और यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल वॉशर भी रहता है, सॉरी प्लेट रहता है यहाँ पे। और देखिए स्पेशल नॉट के साथ यहाँ पे हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे इसको 10 नंबर की रेंज की मदद से। चलो ये हो गया। इसके बाद हम दोस्तों इसका गियर स्टॉपर है वो लगाएंगे। पहले इसको अच्छी तरह से कस लेते हैं। ये रहा गियर स्टॉपर दोस्तों। इसको हम लगाने के लिए 5 नंबर की एलिंग की जो होती है उसकी मदद से इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पे। इसको अच्छी तरह से टाइट करने होने के बाद फिर इसको हम गियर चेक करेंगे, गियर सही ढंग से गिर रहा है या नहीं, इसका गियर चेक करना भी जरूरी होता है दोस्तों। तो देखिए ये इसका जो गियर है बराबर काम कर रहा है अभी यहाँ पे। इसके बाद ऑयल पंप जाली लगाएंगे, फिर लगाएंगे ऑयल पंप। ऑयल पंप लगाने से पहले दोस्तों इसको भी अच्छी तरह से लुब्रिकेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पहली बार स्टार्ट मारे तो पहली उसका जो ऑयल पंप है ना उसमें ऑयल ठीक से घुसता नहीं, तो ये दिक्कत हो जाती है। अगर वहां पे कुछ माइक्रो स्क्रैच भी आ गया तो ऑयल उठाने में दिक्कत करेगी, तो इसीलिए हम इसको ऑयल लगा के अच्छी तरह से प्ले चेक कर लेते हैं और उसका जो प्रॉपर फंक्शन भी चेक कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से काम करे। तो दोस्तों ऑयल पंप में पैकिंग डाल के अभी लगा देंगे ऑयल पंप। लगाने के बाद फिर जीपीड पिनियन, उसके बाद हाउसिंग वगैरह सब लगाएंगे। तो पहले ऑयल पंप को हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ऑयल पंप का जो यहाँ पे बोल्ट है हमने लेके आके यहाँ पे टाइट किए, तो ये वाला जो स्टार स्क्रू होता है ये वाला ऑयल पंप का बोल्ट होता है, तो इसको हम कुछ स्पेशल टूल की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। तो फाइनली इसके बाद जीपीड पिनियन, और जीपीड पिनियन का मतलब होता है गियर प्राइम डाइव। इसके बाद उसके कुछ स्पेशल वॉशर, उसके बाद क्लच बूस लगाएंगे, क्लच बूस के बाद क्लच हाउसिंग। चलो देखिए ये वाला हाउसिंग हमने नया डाल के लाए हैं। देखिए ऊपर का जो एल्युमिनियम पीस आपको दिख रहा है ये बिल्कुल नया है, हमने लेद में काम करवाया क्योंकि नया, अगर ये कम्प्लीट हम खरीदे इसका 1200 रुपया कॉस्ट आता है, और लेद में काम करने से दोस्तों इसमें हमें 300 रुपया का कॉस्ट आता है। तो देखिए अभी यहाँ पे एक स्पेशल वॉशर है अंदर, उसको भी लगा दिया। लगाने के बाद दो कटर वॉशर रहता है, इसको हम कट वॉशर भी बोलते हैं, और उसके बाद एक कैप वॉशर रहता है जो इन दोनों कटर वॉशर को होल्ड करके रखे। फिर आ जाता है क्लच प्लेट हॉप सेंटर लगाने की बारी। पहले हम स्पेशल प्लेट को खोल लिए, इसके बाद हॉप सेंटर ये सब निकाल लेंगे, फिर एक के बाद एक करके आराम से इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये वाला हॉब है हमारा, और ये वाला जो है क्लच प्लेट बिल्कुल नया है दोस्तों। देखिए अभी नया क्लच प्लेट, उसके बाद प्रेशर प्लेट मिला के एक के बाद हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो
तो देखिए ये रहा एक क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट, तो फाइनली दोस्तों हमारा क्लच फिटिंग हो गया। अभी हम इसको फुलर की मदद से टाइट कर रहे हैं। तो ये टाइट करने के बाद दोस्तों फिर इसके बाद हम इसका क्लच रिलीज स्प्रिंग जो है वो लगा के क्लच रिलीज बेयरिंग लगाएंगे। तो पहले उसका क्लच रिलीज स्प्रिंग को लगा लेते हैं, स्प्रिंग के बाद उसके ऊपर का जो प्लेट है वो लगा के उसका बेयरिंग बिठा देते हैं। तो चलिए ये वाला स्प्रिंग बैठ गया, इसके बाद चलो इसके ऊपर का जो प्लेट है वो लगा लेते हैं। चलो प्लेट ला रहे, चलो ये वाला रहा प्लेट। इसके बाद इसको 10 नंबर बोल्ट की मदद से इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जितने भी सारे 10 नंबर बोल्ट है इसका हम ले आए, तो एक एक करके इसको टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए क्लच फिटिंग हो गया। इसके बाद हम लगाते हैं मोबिल कंटेनर। मोबिल कंटेनर का काम होता है दोस्तों मोबिल यहाँ पे कुछ स्टोर करके, क्लच प्लेट को हमेशा गीला करके रखे। तो इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे 2-10 नंबर का बोल्ट की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद चले जाते हैं रोटर लगाने के लिए। रोटर जो क्रैंकशाफ्ट में रहता है, क्रैंकशाफ्ट में जो इनपुट साइड होता है उसमें रोटर लगता है, क्योंकि ये गाड़ी का जो इंजन का वेट, लेफ्ट साइड में मैग्नेट होता है और राइट साइड में रोटर, इसका काम होता है गाड़ी का क्रैंक का वेट बराबर करने के लिए, तो इसको दिया जाता है। तो हम इस रोटर का भी हम नीचे एक कटे हुए जीपीट बटन की मदद से इसको अच्छी तरह से टाइट करके होल्ड करके यहाँ पे पकड़ लेंगे और इसको हम टाइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये वाला रोटर हमारा पूरा टाइट हो गया है। फिर उसके बाद एक पैकिंग, फिर उसके बाद रोटर का जो प्लेट होता है वो वाला लगाएंगे। तो प्लेट लगाने से पहले दोस्तों इसका प्लेट का जो ऑयल सील है पहले उसको रिमूव करके अच्छी तरह से यहाँ पे बिठा लेते हैं, क्योंकि ये वाला ऑयल सील भी बहुत काम का है दोस्तों। तो लगाने के बाद यहाँ पे हम देखिए रोटर प्लेट सेटिंग कर दिए। इसके बाद यहाँ पे इसका जो स्टार स्क्रू है उस स्टार स्क्रू की मदद से हम इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों लगाएंगे क्लच रिलीज बेयरिंग। तो देखिए ये वाला क्लच रिलीज बेयरिंग है, इसको अच्छी तरह से लुब्रिकेंट करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद लगाएंगे इसका जो क्लच कवर पैकिंग है इसको लगाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों ये अच्छी तरह से घूम रहा है या नहीं। तो देखिए ये बार रहा पैकिंग, पैकिंग लगाने के बाद फिर लगा देंगे चैम्बर। तो क्लच चैम्बर हमारा फिट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टाइमिंग चेन के सेक्शन। तो चलिए ये चैम्बर टाइट करके हम टाइमिंग चेन सेक्शन में चले जाते हैं। और देखिए ये रहा टाइमिंग चेन सेक्शन, तो इसमें हम टाइमिंग चेन को यहाँ पे लगा लेते हैं पहले। देखिए ये वाला ऑयल सील है और ये जो ऑयल सील की हम लगा रहे हैं अभी इसको उस पॉकेट शाफ्ट ऑयल सील और गियर शाफ्ट ऑयल सील अभी यहाँ पे लगा लेते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम छोटा वाला टेंशनर रोलर लगाएंगे। देखिए टाइमिंग चेन का जो छोटा वाला रोलर होता है वो टेंशनर में लगाएं, क्योंकि इसका टाइमिंग चेन टेंशन देने के लिए जहाँ पे हम पुश रॉड लगाते उसको हम टेंशनर बोलते। तो वेलर लगाने के बाद अभी कॉइल वेस का जो ऑयल सील है वो हमने लगाएंगे, चेंज कर देंगे। तो वो चेंज करने के बाद इसका जो ओरिंग है ओरिंग को लगा देंगे। तो देखिए ये ऑयल सील हमारा रिमूव हो गया, अभी नया वाला ऑयल सील यहां पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों इसका जो ओरिंग था हमने लगा लिया इसके, और यहां पे थोड़ा इसको यहां पे थोड़ा आरटीजी गैस्केट यहां पे डाल देंगे ताकि ये ऑयल ओरिंग से ऑयल ना निकले। दोस्तों क्या होता है जब हम लगाते हैं बीच बीच में वो कट जाता है तो फिर ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। इंजन काम करने के बाद अगर ऑयल निकलता है तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमने आरटीजी गैसकेट वहां पे लगा लेते हैं हमेशा। तो देखिए अभी दोस्तों ये कॉइल बेस हमारा फिटिंग हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो स्टार स्क्रू दोनों है वो लगा के इसको टाइट मार के इसका मैग्नेट जो है सेटिंग कर लेंगे। Set you free. तो दोस्तों हमारा मैग्नेट टाइट अभी हो गया, इसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे बोर पिस्टन की तरफ। तो चलिए बोर पिस्टन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। देखिए ये बोर पिस्टन हमने नया ले लिए, अभी नया बोर पिस्टन डालने वाले यहाँ पे। तो इसका जो पैकिंग है जो हेड और बोर का पैकिंग, पहले उसको निकाल लेते हैं और वहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं इंजन के ऊपर। तो चलिए ये वाला बोर पैकिंग हमारा यहाँ पे लग गया। इसके बाद दोस्तों वो हेड का जो डाउल पिन होता है यहाँ पे, तो ये डाउल पिन सेट करेंगे हम। देखिए ये वाला डाउल पिन सेट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम पिस्टन को अच्छी तरह से इसको इसका जो पिस्टन रिंग और लॉक ये सारे के सारे बिठा के यहाँ पे हम फिटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा पिस्टन रिंग सेटिंग हो गया। इसका जो रिंग सेटिंग का वीडियो मैंने पहले ही एक चैनल में मैंने डाल के रख दिया था, तो आपने जाके वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी पिस्टन रिंग सेटिंग होने के बाद हम पिस्टन को यहाँ पे इंजन में सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी पिस्टन सेट करने के बाद इसका ब्लॉक जो है हम लगा लेंगे। तो चलिए इसको पिस्टन को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों अभी हमारा पिस्टन लग चुका है, इसको अभी अच्छी तरह से हम अभी लुब्रिकेट कर लेंगे क्योंकि हमें अभी बोर लगाना है। बोर मतलब ब्लॉक जिसको बोलते हैं, तो बोर को भी अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेंगे ताकि अंदर जो पिस्टन जब अंदर घुसाए तो अच्छी तरह से फ्रीली जाए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी टाइट होगा तो पहली स्टार्ट में ही पहली किक में ही गाड़ी का पिस्टन को खराब कर देगा। तो इसीलिए इसको लुब्रिकेट करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए दोस्तों इसका पिस्टन रिंग को हमने थोड़ा पुश करके बोर को अंदर घुसा दिया क्योंकि थोड़ा जाम हो रहा था। तो नया बोर पिस्टन दोस्तों ये माइलेज तो आराम से बहुत बढ़िया माइलेज आएगा और गाड़ी भी बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा। तो दोस्तों ये हमारा टाइमिंग चेन बीच में अटक गया है, ये निकल नहीं रहा है, तो इसको किसी तरह से इसे निकाल लेते हैं। वो अंदर अटक गया है टाइमिंग चेन हमारा। तो देखिए ये प्लायर की मदद से हमने इसको निकाल दिया। अभी बोर को पूरी तरह से सेट कर दिए। सेट करने के बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर उठा के रखेंगे। जब ऊपर उठाने के बाद वो जो टाइमिंग होता है ना, टाइमिंग बन जाता है पूरा।
अभी टाइमिंग चेन का बड़ा वाला रोलर यहाँ पे लगाएंगे, लगाने के बाद इसको थोड़ा चेक कर लेंगे ये अच्छी तरह से मूव कर रहा है नहीं। तो दोस्तों ये फ्रीली मूव कर रहा है। इसके बाद हम हेड सेटिंग आपको दिखाएंगे, तो चलते हैं हेड की तरफ। तो दोस्तों हेड का जो वाल्व है, वाल्व हमने पहले से सेटिंग करके रख दिए थे, तो इसका अभी टॉपिट का स्क्रू लगाएंगे और उसका ट्रैगल जो साइड में ट्रैगल पैकिंग और कवर होता है वो वाला लगा देते हैं। लगाने के बाद दोस्तों हेड को फिट करेंगे। Set you free, free, free. Show you what this world can really be. Here with me, I just set you free. दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह नई नई टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।